गीगाबाइट H110M H2PH। तो देखो एक प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ, छोटा सा बस शॉर्ट वीडियो होगा। तो ये बोर्ड दूर से आया था, बहुत और भी कुछ प्रॉब्लम लेके था, पर अभी एक प्रॉब्लम मैं दिखा रहा हूँ इस बोर्ड में। बेसिकली ये 110 का बोर्ड में ये प्रॉब्लम आता है। तो अभी फुल्ली क्रिएट करके प्रॉब्लम मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि इस बोर्ड में भी रैम रिलेटेड भी शॉर्ट था और भी कुछ कोर ऐसे रिलेटेड शॉर्ट था, मतलब रीज़न था। तो ये सारा मैंने फिक्स किया, करने के बाद ये बोर्ड मैंने प्रॉपर रेडी किया। अभी एक प्रॉब्लम मैं बस दिखा रहा हूँ, आप बस सिम्टम देख लो। अगर ऐसा सिम्टम कभी भी आए तो क्या करना है। तो मैं दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक मॉस्फेट था जो मैंने रिमूव किया और कहाँ रखा ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। लगभग बहुत पहले काम कर रहा था इसको लेके, तो सोचा एक इसके ऊपर डाल दूँ वीडियो। तो डिबग कार्ड मैंने एक लगा दिया, आपके पास सभी के पास ये डिबग कार्ड तो रहता है। तो अगर सेम बोर्ड ही आ जाए तो देखो, प्रॉब्लम को मैं शेयर करता हूँ, पहले देख लो। ये VRM सेक्शन का जो पावर है ये हटा दिया मैंने, मतलब 12 वोल्ट का जो इनपुट सप्लाई है ये हमने हटा दिया। अब 12 वोल्ट का इनपुट सप्लाई हटाने के बाद ये बोर्ड को आपको ट्रिगर देना है। ये ट्रिगर दिया तो ये देखो, ये चला, ये बंद हो गया। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से मिलेगा आपको इस बोर्ड में। आप अगर ये 4PIN ATX यहाँ पर डाल के रखते हो, तो डालने के बाद ऐसा इंटरफेस होगा। मान के चलो ये मैंने डाल के रखा है, सीपीयू का पावर मैंने डाल के रखा है, आप मान के चलो। तो सीपीयू का पावर डालने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, बार बार बोर्ड रिस्टार्ट होगा और डिबग कार्ड में कोई भी कोड जेनरेट नहीं होगा। थोड़ा सा चल के, मतलब कंटिन्यूअसली रिस्टार्ट, बट डिबग कार्ड में कोई नंबर का जो एलईडी होता है, कोड का, कोडिंग एलईडी, ये जो 4 डिजिट का एलईडी है, ये कुछ भी नहीं जलेगा। ये VRM सेक्शन में पावर डालने के बाद मैंने अभी इसको हटा के रखा है, विदाउट पावर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे क्रिएट करने के लिए उसी कंपोनेंट को ही चाहिए, वो फॉल्टी कंपोनेंट चाहिए। पर गिरा है, इधर कहीं गिरा है, पर मिल नहीं रहा है, ठीक है, मिल नहीं रहा है, इसलिए मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बस प्रॉब्लम। आप अगर इसको ऐसे डाल दिया, मान के चलो डाल दिया, तो ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम इंटरफेस होगा, ये ऑफ होगा। तो ऐसा अगर 110 में आ रहा है, ऐसा सेम प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको एक ही काम करना है। यहाँ पर दो बायस है, कुछ भी नहीं करना है। ये जो बोर्ड है डुअल आयो डुअल बायस का बोर्ड है, ये देख सकते हो डुअल आयो है और बायस चिप भी डुअल है। तो इस बोर्ड में और एक प्रॉब्लम आता है, रीस्टार्ट, सेम तरह का रीस्टार्ट मिलेगा पर कोडिंग के साथ, पर डिबग कार्ड में कोडिंग के साथ कुछ कोडिंग आएगा, डिस्प्ले आने ही वाला है, रीस्टार्ट होगा। तो उस टाइप के प्रॉब्लम में ये बायस रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। पर उससे क्या होता है, बहुत सारा सोल्यूशन है उसके ऊपर। आप चिप को चेंज कर सकते हो, या फिर एक चिप को रिमूव करके मेन बायस पे रख के रिप्रोग्राम कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर जो रिसेट का बटन है ये 1 मिनट प्रेस करके रख सकते हो ऑन बोर्ड पर, तो ये भी प्रॉब्लम रिकवर हो जाता है। ये बायस, बैकअप बायस मेन बायस से रिकवर हो जाता है, अगर दोनों बायस सही है तो, दोनों बायस में से एक बायस सही है तो वो रिकवर कर लेता है। तो अगर ऐसा टाइप के प्रॉब्लम आए, कोई भी कोड नहीं है, तो इसमें क्या है, बायस का इशू नहीं होता है बेसिकली, और सीपीयू का भी इशू नहीं होता है। तो इशू क्या होता है इस बोर्ड में बेसिकली, देखो जो अभी मैं पहले बोला, अभी मैं प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर सिम्टोम में दिखा दिया। ऐसा टाइप का अगर सिम्टोम आए तो इस बीमारी का इलाज होगा ये वाला कंपोनेंट। ये सीरीज में 110 में 3 कंपोनेंट आता है यहाँ पर, ये जो सीरीज में 3 कंपोनेंट आता है, इनमें से ये 2 ट्रांजिस्टर है, और ऊपर वाला जो है ये 702 होता है, K72 होता है, W1P होता है, मतलब एन चैनल का मॉस्फेट एक होता है। इस ये अगर खराब होता है, मतलब लीकेज शॉर्ट होता है, ओपन हो चुका है, अगर ओपन हो जाता है ये, तो सेम सिम्टम आपका बोर्ड में आएगा। तो इसको आप बस ये कंपोनेंट को रिमूव करना है, सेम दिखने वाला कंपोनेंट ही रहेगा यहाँ पर, देख लो ऐसी टाइप का ही। पर
पर यहाँ पर 702 होगा, यहाँ पर 7002 होगा, यहाँ पर K72 हो सकता है, WIP हो सकता, 1P हो सकता है, और भी कुछ नाम से हो सकता है, पर जो भी नाम से हो आपको बस दिमाग में रखना है कि ऊपर वाला जो कंपोनेंट रहता है ये सीरीज में, जो ऊपर वाला कंपोनेंट रहता है अपर में, ये होता है एन चैनल मॉस्फेट। तो यही बेसिकली रिमूव करना है। आप अगर रिमूव कर दोगे तो बोर्ड का जो हमारा प्रॉब्लम है, आपका जो बोर्ड का प्रॉब्लम आप फेसिंग कर रहे थे, मगर इस बोर्ड में भी जो प्रॉब्लम फेस हो रहा था वो भी सॉल्व हो जाएगा। ये देखो अभी पावर दिया मैंने, रिमूव कर दिया, पर कहाँ पर गिर गया मुझे मिल नहीं रहा है। अगर मिल जाता तो बढ़िया होता, पर मैं बोल रहा हूँ इसे मान के चलो यही 100% मतलब सही है। ठीक है, तो ये लगा दिया VRM सेक्शन का पावर। ये देखो अब इस बोर्ड में कोड भी जनरेट हो गया और डिस्प्ले भी आ गया है मेरे ख्याल से, पर बज्जर कहाँ रखा, तो बज्जर अभी है नहीं, मिल नहीं रहा है, कहाँ पर रखा था, यहाँ पर। सॉरी, मिल नहीं रहा है। तो देखो कीबोर्ड, कीबोर्ड देखने की भी जरूरत नहीं है, कोड देख के पता चलता है। ये देखो कीबोर्ड डाला तो कोड चेंज हुआ, मतलब कीबोर्ड में डिस्प्ले इसका आ चुका है। फिर भी एक बार शॉर्ट टाइमली दिखा देता हूँ। ये देखो कीबोर्ड मैंने डाल दिया और यहाँ पर डिस्प्ले हमारा आ चुका है, मॉनिटर पे भी आ चुका है। तो यही है एक सिंपल सा ट्रिक। अगर इस मतलब 110 सीरीज का जो भी बोर्ड है, अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो यही कंपोनेंट के वजह से ही आता है। जो कि अब रही बात, जो इतने में खुश हो वो वीडियो छोड़ सकते हो, मतलब बाकी जो लोग हो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो थोड़ा सा सीखना चाहते हो उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। तो एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा, और ये क्यू होता है बेसिकली, मैं बता देता हूँ आपको, देख लो क्यू होता है। ये कंपोनेंट अगर खराब होता है तो क्यू ऐसा होता है, और ये खराब होने पर ही ऐसा होगा। तो DC20 पे मैंने डाल दिया, एक को ग्राउंड कर दिया, अभी इसका ड्रेन पे आप ट्रेस आउट करो। ये है इसका 1 वोल्ट, ड्रेन में जो 1 वोल्ट प्रेजेंट है, ये सीपीयू VTT से इस मॉस्फेट पे जाता है। ठीक है, मतलब कोर IC का ये एक मतलब सिग्नल है, जो अगर ये कंपोनेंट खराब होता है तो क्या करता है, ये ग्राउंड करता है, ये सोर्स में भी ये यही वोल्टेज आ जाता है। तो अभी देखो 0 है। अगर ऐसा हो तो आप मल्टीमीटर से चेक करो उस कंपोनेंट को बिना रिमूव किए, मतलब लगा हुआ है तो तब भी आप चेक कर सकते हो। तो अगर ड्रेन पे 1.07 है तो सोर्स पे 1.07 ना आए, पर 1.1 या फिर 0.93, 94, 83, 86 वोल्टेज भी अगर आएगा तो भी ऐसा करेगा, ये बार बार रिस्टार्ट करेगा विदाउट कोट के साथ। अभी इसका हम डेमो देखेंगे, अभी इसका डेमो देखेंगे, क्योंकि कंपोनेंट तो मेरे पास गुम हो चुका है, तो डेमो दिखाना तो थोड़ा सा पड़ेगा, नहीं तो आप समझोगे नहीं जो डीपली सीख रहे हो। तो देखो अभी क्या है, ये कंपोनेंट खराब होने से ऐसा क्यों होता है, इसके लिए बोर्ड को मुझे ऑफ करना है, थोड़ा सा दूर लेना है। अब बोर्ड में पावर डालना है, पावर डालने के बाद अभी 1 सेकेंड होल्ड करो, तो अभी डेमो दिखेंगे। तो ये देखो ये ड्रेन टू सोर्स, अगर हम ये कंपोनेंट अगर शॉर्ट मतलब ओपन होता है तब क्या दिक्कत आता है। ये ड्रेन टू शॉर्ट शोस मैंने शॉर्ट करके रखा है, और पावर मैंने बोर्ड पे दे दिया है SMPS में। अभी एक बार टिगर दे रहा हूँ, ये देखो लाइट है, कोई डिबग कार्ड में कोई लाइट है, बोर्ड चल रहा है, ये देखो ऑफ हो गया, ये चला, डिबग कार्ड में कोई लाइट है, देखो 12 वोल्ट का सप्लाई डाला हुआ है, फिर से ऑफ हो गया। अभी छोड़ देता हूँ, ये आया कोड। तो यही हो रहा था, कंपोनेंट मैंने बाय मिस्टेकली कहाँ पर फेंक दिया, मतलब साइट पे रखा था, मिल नहीं रहा था। तो एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है वो मैंने दिखा दिया, और इसी कंपोनेंट के साथ ही ये प्रॉब्लम आता है अगर ये ओपन होता है, शॉर्ट होता है, मतलब ये नहीं। और एक चीज़ मैं समझा देता हूँ, मतलब ये नहीं, यहाँ पर 1 वोल्ट है, ये शॉर्ट हो चुका है, मतलब 1 वोल्ट ही सोर्स पर आ रहा है, ऐसा नहीं है, मतलब 0.7
67 से लेके 1.32 वोल्ट तक अगर सोर्स पे आ जाता है तो यही प्रॉब्लम जनरेट होगा विदाउट कोड रीस्टार्ट। तो अभी इसमें डिस्प्ले है, देख सकते हो, कीबोर्ड पे भी है, ये देखो मॉनिटर पे भी है। तो ये एक छोटा सा मतलब क्या है, इसको ट्रिक बोलेंगे, क्या ट्रिक भी नहीं है, अगर सिमेटिक में जाए तो यही प्रॉपर सोल्यूशन है। सिमेटिक के हिसाब से जाएंगे तो इसको वहाँ पर एक कंपोनेंट लगाना पड़ेगा तो फिर प्रॉपर सोल्यूशन बनेगा। तो कंपोनेंट तो मैं इंसर्ट कर भी सकता हूँ, नहीं कर भी सकता हूँ, मेरे पास है ये स्टॉक में बहुत सारा, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। लव यू ऑल, जय हिंद।